हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है WTO और उसके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो WTO के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। मेनली हम बात करेंगे आज इसके फंक्शंस के बारे में। तो ये लेक्चर बहुत बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि फंक्शंस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बताए गए हैं, पर जो भी बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगर WTO के बारे में पूछा जाए तो आप फंक्शंस को मेंशन करके एक तरीके से उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए फिर लेक्चर देख लेते हैं, WTO फंक्शंस एंड कवरेज। तो WTO क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, ट्रेड को लेकर के बहुत ज्यादा इश्यूज थे। एक कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो सारी थी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि वर्ल्ड वॉर चला। उसके बाद में इन चीजों को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ट्रेड को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए जो है गैट का इस्तेमाल किया गया है ना, एक कानून पास किया गया, एक लॉ ऑफ पास किया गया जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहते हैं। उसके बेसिस पे जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रेड होता था, इंडिया का किसी और कंट्री के साथ, किसी और कंट्री का किसी और कंट्री के साथ जो है ट्रेड वगैरह जो है हुआ करता था ऑन द बेसिस ऑफ गैट। तो वो सिस्टम जो है 1992 तक चलता है। 1992 में आकर के गैट जो है बंद हो जाता है, उसकी जगह पे आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम बहुत सारा है। WTO का जो मेनली काम होता है वो ये होता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है उसको एक तरीके से फैसिलिटेट करना, लोगों को हेल्प करना कि वर्ल्ड ट्रेड किस तरीके से किया जाए, उनको जो है हेल्प प्रोवाइड करना रिगार्डिंग यू नो डिफरेंट सिस्टम्स जिसके जरिए वो जो है ट्रेड कर सकते हैं। मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, प्लुरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, इन सब चीजों के ऊपर चीजों को मैनेज करना, किसी को कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट्स को एक तरीके से ठीक करना, ये सारी की सारी चीजें जो है WTO करती हैं। ठीक है ना, तो ये तो बात बात होगी WTO की। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि ये काम कौन कौन सा करता है भाई। ठीक है, सो द फंक्शंस ऑफ WTO एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट providing a framework for international trade relations including the following five dimensions. तो हम पांच dimensions के बारे में बात करेंगे जो इनके पांच main functions भी हैं WTO के, जिसके तहत WTO जो है काम करता है। ठीक है ना, तो WTO एक तरीके से फॉर्मल एक इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है जो कि एक तरीके से रूल्स गाइडलाइंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है डिफरेंट कंट्रीज को कि किस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और किस तरीके से जो है उनको उनको एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है। तो सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पे बताया गया है वो ये है टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन एंड फर्दर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ MTA मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लुरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना। तो ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है WTO, ये जो हमारा मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है या जो प्लुरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इसको उसके इंप्लीमेंटेशन में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके ऑपरेशन में जो है ये हेल्प करता है। देखो एक ही वर्ड दो जगह पे लिखा गया है, सिर्फ एग्रीमेंट का नाम अलग है, मल्टीलैटरल और प्लुरीलैटरल, है ना। तो इन दोनों एग्रीमेंट्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से इसको एडमिनिस्टर किया जाए और किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाए, ये देखने का काम जो है WTO करती है और इसको सब चीजों को एक्चुअली इनको इंप्लीमेंट करने में जो है फैसिलिटेट करती है WTO। ठीक है, दूसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएशन अमंग इट्स मेंबर्स कंसर्निंग देयर मल्टीलैटरल ट्रेड रिलेशंस इन मैटर डेल्ट विद अंडर द एग्रीमेंट्स, है ना। तो ये एक तरीके से फोरम भी प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंट्रीज को कि वो एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस कर सके रिगार्डिंग द डिफरेंट यू नो ट्रेड जो भी उनके बीच में हो रहे हैं, उस चीज को लेकर के अगर उनको कोई डिस्प्यूट है, कुछ प्रॉब्लम उनको हो रही है तो उस एग्रीमेंट के तहत वो आपस में आकर के नेगोशिएट कर सकते हैं WTO के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कि हम जो है ये चीजें चाहते हैं, आपका क्या कहना है। दूसरी वाली पार्टी बोलेगी कि हम ये चीजें चाहते हैं, आपका क्या कहना है। फिर दोनों पार्टी जो है एक जगह पे आकर के सहमत हो जाएंगी, है ना, दोनों एग्रीमेंट जो है कर लेंगी। तो ये जो एक तरीके से प्लेटफॉर्म है, जो फोरम है, ये प्रोवाइड करता है WTO। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट है
टू एडमिनिस्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स गवर्निंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, है ना। तो ये एक तरीके से एडमिनिस्टर करता है, चीजों को अंडरस्टैंड करता है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को, कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है अपने जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, किस तरीके से उसको सेटल किया जाए, उसको सेटल करने के लिए उसका जो एडमिनिस्टर करने का जो काम है, ये उन सारे रूल्स को समझने का और इम्प्लीमेंट करवाने का काम है, ये सारी की सारी चीजें जो है WTO करती है, ठीक है ना। चौथा नंबर पॉइंट है टू एडमिनिस्टर द ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म, है ना। तो जो ट्रेड रिव्यू मैकेनिज्म होता है उसको रिव्यू करने का काम, उसको एडमिनिस्टर करने का काम जो है वो भी हमारा WTO करता है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स। एक और पॉइंट बाकी है, वो भी कर लेते हैं। टू कोऑपरेट एज एप्रोप्रिएट विद IMF एंड IBRD। IBRD यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है ना। तो IBRD और IMF के साथ कोऑपरेट करके चलने के लिए विद अ व्यू टू अचीविंग ग्रेटर कोहेरेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। तो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग जब भी होती है तो उसमें इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आता ही है, IMF, IBRD, क्योंकि ट्रेड होगा तो डेफिसिट होगा, डेफिसिट होगा तो आपको IMF से लोन लेना पड़ेगा, कंट्री में अगर आपको ट्रेड करवाना है तो उसके लिए डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट होगा तो आपको IBRD का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक तरीके से कोऑपरेशन को लेकर के आने का काम जो है वो हमारा जो WTO है वो करता है। ग्लोबल इकोनॉमी में इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है IMF, IBRD की, तो इन सब चीजों को साथ में लेकर के चलने का काम, चीजों को एक्टिव इंप्लीमेंट करवाने का काम जो है वो WTO करती है। सो द जनरल काउंसिल ऑफ WTO इज टू ओवरसी इट्स रेगुलर बिजनेस व्हाइल इट्स जनरल डायरेक्शंस लाइज विद द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस व्हिच इज टू बी मीट वंस एवरी 2 ईयर्स, है ना। तो जो जनरल काउंसिल है WTO का, वो ये देखती है कि जो बिजनेस है वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसके जनरल डायरेक्शंस को देखती है, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वो भी इन सब चीजों को देखती है कि किस तरीके से ये जो है इसके काम को ठीक तरीके से बढ़ाया जा सके और किस तरीके से इनको इनकरेज किया जा सके कंट्रीज को कि वो WTO का मेंबर बने और ट्रेड जो है वो वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा ले। और इनकी जो मीटिंग होती है WTO की, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इसकी जो मीटिंग होती है वो हर 2 साल में एक बार होती है। तो सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी सिंगापुर में दिसंबर 1996 में, दूसरी मीटिंग हुई थी जेनेवा में 1998 में, तीसरी मीटिंग सिएटल USA में हुई थी नवंबर दिसंबर 1999, और फोर्थ मीटिंग हुई थी दोहा में जो कि कतर में है नवंबर 2001, और फिफ्थ मीटिंग हुई थी कैनकम में जो कि है हांगकांग इन दिसंबर 2005, ठीक है। तो ये जो है 5 फंक्शंस थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।